दोस्तों, जिस मंगलयान को मार्स तक पहुंचने में 9 महीने का टाइम लग गया था, लेकिन अब यह डिस्टेंस पूरा करने में केवल 45 दिन ही लगने वाला है। मैं जानता हूं कि यह आपको इम्पॉसिबल लग रहा है, लेकिन रियलिटी यह है कि नासा ने एक ऐसी टेक्नोलॉजी पर काम करना शुरू कर दिया है जो कि दरअसल प्रेजेंटली नासा ने 2 न्यूक्लियर पावर रॉकेट इंजन पर काम करना शुरू किया है, जो कि इनकी स्पीड एंड कैपेसिटी दुनिया में सबसे ज़्यादा वेल डेवलप्ड स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट के कंपैरिजन में 5 times ज़्यादा है। इसका मतलब यह हुआ कि जहां अर्थ से प्लूटो तक डिस्टेंस को कंप्लीट करने में 10 साल लगता था, महज अब यह डिस्टेंस केवल 4 सालों में पूरा किया जा सकता है। लेकिन देखा जाए तो दुनिया का सबसे ज़्यादा पावरफुल रॉकेट फाल्कन 9 एक केमिकल कंबसन ही है, जो कि बेसिकली एलोन मस्क ने इसी रॉकेट के माध्यम से आने वाले फ्यूचर में मार्स पर ह्यूमन कॉलोनी बसाने वाले हैं। दरअसल केमिकल कंबसन रॉकेट इंजन का काफ़ी वर्ल्ड वाइड यूज तथा काफ़ी हद तक सक्सेसफुल भी है। बेसिकली इसमें यह होता है कि रॉकेट में एक लिक्विड हाइड्रोजन टैंक तथा दूसरा लिक्विड ऑक्सीजन के 2 टैंक होते हैं, जिन्हें पावरफुल टर्बोपंप के द्वारा कंबसन चैम्बर में बर्न किया जाता है, और यह प्रोसेस बहुत तेज़ी से होता है, जिसकी वजह से रॉकेट में से निकलने वाली हीट गैसेस के कारण रॉकेट को थ्रस्ट मिलता है, जिससे कि रॉकेट को लिफ्ट ऑफ होने में पुश मिलता है। दोस्तों, एक रॉकेट की स्पीड उसके थ्रस्ट पर डिपेंड करती है। जितना ज़्यादा रॉकेट का थ्रस्ट होगा, उतना ही तेज़ी से रॉकेट की स्पीड होगी। लेकिन दोस्तों, क्या सच में एक न्यूक्लियर रॉकेट का आज के समय में पॉसिबल होना आसान है? क्योंकि स्पेस ट्रैवल में एज यू नो कब क्या एक्सीडेंट हो जाए, इस बात की कोई जानकारी नहीं है। क्योंकि अगर देखा जाए तो पिछले 100 सालों में हम लोगों की रॉकेट टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि आज के डेट में रॉकेट साइंस इतना इजी हो गया है कि क्योंकि इसमें केवल सॉलिड या लिक्विड फ्यूल को बंद करके थ्रस्ट जनरेट करते हैं। बिकॉज इसी मेथड में अब रेडिएशन करते हुए स्पेस एक्स के इंजीनियर ने इसी केमिकल कंबसन से कम फ्यूल में ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी जनरेट करने का टेक्नोलॉजी डेवलप कर लिया है। यदि अब के टाइम सबसे बेस्ट रॉकेट फाल्कन 9 से भी मार्स तक पहुंचने में अराउंड 7 महीने लग जाते हैं, क्योंकि यदि एस्ट्रोनॉट को इसी केमिकल इंजन के सहारे इतने दिनों तक 0 ग्रेविटी में रहना पड़ा तो उनके शरीर के मसल्स तथा बोन्स वीक हो जाएंगे। वैसे तो सबसे ज़्यादा स्पेस में रहने का रिकॉर्ड रशियन एस्ट्रोनॉट वैलेरी पॉलियाकोव के पास है, जो कि मजबूरन उनको 15 महीनों तक स्पेस में रहना पड़ा था। इतना टाइम स्पेस में लो ग्रेविटी में रहने के कारण इनकी मसल्स तथा बोन्स दोनों इतनी वीक हो गई थी कि वापस अर्थ पर आने के बाद इनको अर्थ की ग्रेविटी को एडजस्ट करने में 8 महीने लग गए थे। यदि ऐसा फ्यूचर में एस्ट्रोनॉट के साथ हुआ तो मे बी मार्स पर फुटप्रिंट्स के बजाय व्हील प्रिंट का निशान हो। लेकिन इस प्रॉब्लम से बचने के लिए एक ऐसा ब्रिलियंट सॉल्यूशन है कि नासा ने डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी अर्थात DOE के साथ कोऑर्डिनेट करके एक न्यूक्लियर पावर्ड रॉकेट इंजन के डिज़ाइन पर काम कर रहा है। वैसे तो नासा ने न्यूक्लियर पावर से चलने वाले 2, एक न्यूक्लियर थर्मल रॉकेट तथा दूसरा न्यूक्लियर इलेक्ट्रिक रॉकेट पर काम करना स्टार्ट कर दिया है। इनफैक्ट एक न्यूक्लियर थर्मल रॉकेट एक केमिकल रॉकेट की कंपैरिजन में लगभग सेम ही होता है, क्योंकि बेसिकली न्यूक्लियर थर्मल रॉकेट एक नॉर्मल रॉकेट की तुलना में मैनी टाइम्स ज़्यादा एनर्जी क्रिएट करता है। एक्चुअली में इसमें न्यूक्लियर रिएक्शन के द्वारा एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं तथा इस एनर्जी का उपयोग हाइड्रोजन को एज अ फ्यूल यूज करके कंबसन चैम्बर में बर्न किया जाता है। देन आयोनाइज्ड हाइड्रोजन गैस को बाहर नोजल के थ्रू प्रॉपल करके थ्रस्ट पैदा करते हैं। लेकिन यह आपको लगता होगा कि यह एक केमिकल रॉकेट जैसा ही तो है, फिर इसमें क्या डिफरेंट है? तो इसमें डिफरेंट यह है कि स्पेसिफिक इम्पल्स के द्वारा इसमें थ्रस्ट का मेजर करते हैं। तो इस न्यूक्लियर थर्मल रॉकेट में 8 किलोमीटर पर सेकंड से फ्यूल की क्वांटिटी नोजल से बाहर प्रोपेल होती है, और यही प्रोसेस केमिकल कंबसन रॉकेट में
4 किलोमीटर पर सेकंड फ्यूल की क्वांटिटी होती है, जिसकी वजह से न्यूक्लियर थर्मल रॉकेट केमिकल कंबसन रॉकेट के कंपैरिजन में न्यूक्लियर थर्मल रॉकेट की ज़्यादा इफ़िशियंसी होती है। और दूसरा, न्यूक्लियर इलेक्ट्रिक रॉकेट प्रोपल्सन सिस्टम में न्यूक्लियर रिएक्शन द्वारा सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है, देन इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करके ज़ेनॉन गैस को कंबसन चैम्बर में आयोनाइज करके नोजल के थ्रू एक्सेलरेट किया जाता है। और इसमें ज़ेनॉन गैस की बाहर प्रोपेल होने की स्पीड 40 किलोमीटर पर सेकंड होती है, इसलिए न्यूक्लियर रॉकेट की एफिशिएंसी एक न्यूक्लियर थर्मल रॉकेट की तुलना में 5 गुना ज़्यादा है, तथा इसकी फ्यूल की क्वांटिटी की बाहर एक्सेलरेट होने की स्पीड आम रॉकेट की तुलना में 40 किलोमीटर पर सेकंड होती है। वैसे तो किसी भी रॉकेट की थ्रस्ट उसके फ्यूल पर डिपेंड ना होकर फ्यूल की क्वांटिटी पर डिपेंड होती है कि कितना फ्यूल बाहर एक्सेलरेट होता है। तो दोस्तों, इसलिए नासा इंसानों को मार्स पर केवल 45 दिनों के अंदर ही मार्स पर इंसानों को पहुंचाने का प्लान बना रही है। एंड नासा के चीफ ने बताया कि अर्थ से प्लूटो तक का डिस्टेंस मात्र 4 वर्षों में कंप्लीट किया जा सकता है। आई नो कि यह आपको डिस्टेंस बहुत ज़्यादा लग रहा है, लेकिन यही प्लूटो तक के डिस्टेंस को कंप्लीट करने में नासा की न्यू होराइजन स्पेसक्राफ्ट को प्लूटो तक पहुंचने में 10 साल लग गया था। लेकिन दोस्तों, यह जितना कहने में आसान है उतना इजी भी नहीं, क्योंकि इसमें यूरेनियम आइसोटोप्स का यूज होता है, जिस यूरेनियम को अर्थ पर कंट्रोल करने के लिए इतनी अरेंजमेंट करनी पड़ती है। यदि गलती से भी यूरेनियम रॉकेट में लीक हुआ तो यह यूरेनियम एस्ट्रोनॉट को जलाकर राख कर देगा। इसी रिस्क की वजह से सोवियत यूनियन ने अपने न्यूक्लियर रॉकेट प्रोग्राम को बंद कर दिया था। इसी बीच उससे भी बड़े कॉम्पिटिटर्स USA ने इस न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को डेवलप करने का प्रोग्राम स्टार्ट कर दिया। इसके लिए नासा को न्यूक्लियर शील्ड का सॉल्यूशन भी ढूंढना पड़ेगा। दोस्तों, यदि नासा ने इसका भी सॉल्यूशन ढूंढ लिया तो फिर भी एक प्रॉब्लम तो बची ही रहेगी, क्योंकि एस्ट्रोनॉट को इतने दिनों में 0 ग्रेविटी एनवायरनमेंट में रहना पड़ेगा। लेकिन इसका एक कॉमन सा मेथड है कि पूरे स्पेसशिप को एक कांस्टेंट स्पीड से रोटेट कराया जाए, जिससे एक सेंट्रीपिटल फोर्स क्रिएट होगा जो कि बेसिकली एस्ट्रोनॉट को शिप सरफेस से चिपकाए रखेगा। दोस्तों, यदि ऐसा हो गया तो फिर क्या क्या इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं, आपको क्या लगता है कमेंट करके बताइए।